continue with chapter number 13, magnetic effects of electric current. Students, we are studying the next topic, magnetic field due to a straight current carrying conductor. So what is the pattern of magnetic field, or how magnetic field is present outside at every point around a straight current carrying conductor? So here is an activity. First of all, let's see. We will take a कार्डबोर्ड, जैसे हम एक छोटा सा कार्डबोर्ड का शीट लेंगे, जैसे पेपर है. अब इस पेज में, इस पेपर में या इस कार्डबोर्ड में हमने क्या है, मिडल में एक छेद निकाला, और छेद निकालने के बाद में हमने क्या किया, उसमें एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको फिक्स कर दिया इस तरह से, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, जैसे लाइक इसमें भी हमने क्या है, ये एक वायर है जिसको इसमें से पास किया है, तो उसको फिक्स किया. फिक्स करने के बाद जो दोनों एंड्स हैं, इन दोनों एंड्स को विल कनेक्ट बोथ द एंड्स विद द बैटरी. हम की को क्लोज करेंगे, और उसके बाद में वी विल स्प्रिंकल हियर द आयरन फिलिंग्स अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर. देन वी विल सी दैट द आयरन फिलिंग्स गेट अरेंज्ड इन द सर्कुलर पैटर्न. तो आयरन फिलिंग्स है वो क्या, एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएगा. दैट मीन्स द करंट मीन्स आउटसाइड एट एवरी पॉइंट. अब हम क्या करें, सपोज इसको खिसका देते हैं, पोजिशन हमने चेंज की, अगेन वी आर स्प्रिंकलिंग द आयरन फिलिंग्स, वी आर गेटिंग द सेम टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल. दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट आउटसाइड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स. सो हियर इज अ डायग्राम. You can also see in your book also that the pattern of the iron fillings around a straight current carrying conductor is present in the form of circular concentric rings. So now students, we come to know that at every point around a straight current carrying conductor, suppose this is the straight current carrying conductor wire, that is XY, which is connected to a battery, ammeter. We can also connect the variable resistance or rheostat. So the magnetic field is present in the form of concentric rings around a straight current carrying conductor. Now there are certain factors which affect the magnetic field around the straight current carrying conductor. The one is the current, and second one is the distance. So two factors are there. How current affect, if we increase the amount of current or we increase the power of the battery source, then amount of current increases. In that case, the amount of magnetic field also increases. As we know, कि हमें पता है कि अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. जैसे हमें पता है एक छोटा सा वायर, इस पर बहुत लो करंट फ्लो कर रहा है, तो हम उसे वो हमें अट्रैक्ट नहीं कर सकता. लेकिन एक हाई वोल्टेज का वायर है, अगर हम उसके पास जाएंगे तो इस वजह से क्या है, हमने कोई स्लीपर नहीं पहनी होगी, गीले हाथ होंगे, तो वो आसानी से हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. सेकेंड वन इज़ डिस्टेंस. अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर से डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, देन ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस. तो वायर से दूर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम, वायर के पास होगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा. दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. इवन अब इसकी डायरेक्शन मीन्स इधर इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल और कंसेंट्रिक रिंग्स और नॉट. सो वी विल प्लेस, व्हेन वी प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास नीडल हियर, जब हम यहाँ पे अगर मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखा, तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होगी, इट विल ऑल्सो पॉइंटेड इन सच अ वे, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स. दैट्स वाई द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल एट every point outside a straight current carrying conductor. Now the next thing is that how can we detect the direction of the magnetic field outside the straight current carrying conductor in the concentric circle. So to detect the direction of the magnetic field lines, there is a rule, that is right hand thumb rule or Maxwell's corkscrew rule. So according to this rule, if we are pointing our thumb in the direction of current in such a way that the current is flowing in upward direction, then the direction in which our fingers are curved will give us the direction of the magnetic field.
So if the direction of current is upward, then the fingers are curved like this in anti-clockwise pattern. That means the direction of magnetic field will be anti-clockwise. Similarly, if our thumb is downside, then the fingers, the direction of the fingers in which curved, they are clockwise. That's why the direction of magnetic field is clockwise. So here, if the thumb is in representing the direction of current in upward direction, then the direction in which the fingers are curved, this one is the direction of curved finger, that will be the direction of the magnetic field, that is anti-clockwise. Clockwise means according to the clock, anti-clockwise means opposite to the clock. So here you have to remember. Okay, so this much and notes I am sending you. So here also the direction of the magnetic field is represented or indicated by the direction by the right hand thumb rule. So the direction of current is downside, then the direction of magnetic field is in clockwise direction. So this one is the magnetic field due to a straight current carrying conductor. Okay, that's all.